सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए प्लेविन कैप्सूल स्टार 5000। इस पे दोनों को एक साथ यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या फायदे मिल सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं सबसे पहले प्लेविन कैप्सूल जो कि हमारे पास 10 गोले का कैप्सूल है, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP 298 यानी कि 298 रुपये के करीब इसके MRP है। प्लेविन कैप्सूल को रजनीश वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी, एक आयुर्वेदिक कंपनी है। प्लेविन कैप्सूल के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा है, कंचबेंस है, मुकना मुरिता है, सफेद मूसली है, जायफली है, सतावरी है, घोघरू है, वर्दुरी है, तालिम खला है, शिलाजीत है, लोह बसंत से, तमारा बसंत से, नागकेसर से। तो ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए वो सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरा है स्टर 5000 स्प्रे जो कि हमारे पास 20 ग्राम का स्प्रे है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 175 यानी कि 175 रुपये के करीब इसकी MRP है। स्टर 5000 स्प्रे को यूनिवर्सल लाइफ साइंस के द्वारा बनाया जाता है। स्टर 5000 स्प्रे के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है लिडोकेन 10% इसके अंदर डाले गए हैं, यानी कि इसके अंदर लिडोकेन USP इसके अंदर डाले गए हैं। प्लेविन कैप्सूल और स्टर 5000 स्प्रे का यूज़ के बारे में बात करो, इसका यूज मेंस के अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मेंस के अंदर जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस होता है यानी कि शीघ्र पतन होता है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मेंस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है उसको बढ़ाने के लिए यानी कि उसको इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे को यूज करने से बेनिफिट मिलेगा कि मेंस के अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ था तो वो दूर हो जाएगा, या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस हुआ था यानी कि शीघ्र पतन हुआ था तो वो दूर हो जाएगा और मेंस के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाएगा, तो इसको यूज करने से ये बेनिफिट मिल सकता है। प्लेविन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे को यूज करने का तरीका बताए तो प्लेविन कैप्सूल्स को यानी कि ये कैप्सूल रहती है इसको ओरली लिया जाता है, दूसरा है स्टर 5000 स्प्रे इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है यानी कि इसको एक्सटर्नल यूज किया जाता है। प्लेविन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे का इस्तेमाल केवल मेंस के लिए रहता है। प्लेविन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। प्लेविन कैप्सूल और स्टर 5000 स्प्रे को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस ले, बाद में इस स्प्रे या कैप्सूल का इस्तेमाल करें, अपने मन से इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। प्लेविन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। प्लेविन कैप्सूल्स और स्टर 5000 स्प्रे का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी कैप्सूल या स्प्रे का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।